अपन नीड्स का स्मार्ट इस्तेमाल करते हुए। एंड वहां पर तगड़ी फायर फाइट चल रही है, गॉर्डल वर्सेस गॉर्डल। कॉन्बुक एकेएम स्प्रे विद आयरन साइट गॉर्डल सिद्धू के ऊपर, फॉर सम रीजन गन शॉट्स की आवाज नहीं आ रही। कॉन्बुक के ऊपर कर दिया गया, बहुत तगड़ा स्प्रे, पूरा धावा बोल दिया गया। लेट्स स्विच टू गाइस ड्रोन व्यू। ये हमें ड्रोन व्यू में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तीन तीन टीम्स हैं जो इकट्ठे बैटल कर रही हैं। वी हैव क्रॉन्टन्स टीम, वी हैव कर्मस टीम, एंड देन वी हैव सोल पॉटेड टीम। क्रॉन्टन की टीम शुरुआत ही क्रिपल थी, क्योंकि क्रॉन्टन अर्ली ऑफ ही मर गया था, लेकिन अभी यहां पर उसके तीन टीममेट्स हैं तो कैरी ऑन से लेगेसी। यहां पे कर्मा बहुत ही अच्छा स्पॉट है उनके पास, गॉडल काका भी उधर ही है, एंड यहाँ पर गॉडल अलग द नॉक डाउट है। यहाँ पे सिद्धू और फनबुक के बीच में बैटल चल रहा है गाइस, बट फनबुक जोन के बाहर हो गया। ओके नाउ इज इन बैक इन। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हो कितना लिमिटेड कवर है यहाँ पे पूरे गेम में। अच्छा कवर सिर्फ और सिर्फ कर्मा की टीम के पास है और इनके पास है, बट द जोन हैज टू गो ऑन। जोन और श्रिंक होगा, फिर देखते हैं लोग कैसे खेल पाएंगे। फनबुक इज नॉक आउट, बहुत ही खतरनाक नेट की तरफ से, और यहाँ पे ना डाला मॉलोटॉव। यहाँ पर लगता है ये किकैस को खत्म कर देंगे, एंड किकैस इज आल्सो डाउन। तो गाइस क्रॉन्टन की टीम से बचा हुआ इस टाइम सिर्फ और सिर्फ बीस्ट। सांप बन के इन्होंने गॉडल काका को ले लिया है अकेले अकेले, तो उनको स्पॉट नहीं कर पा रहा अभी तक। दिस इज 1v4 फॉर हिम, एंड यहाँ पर तीन लोग सोल पॉटेड की टीम अब भी आराम से अपने जोन में चिल कर रही है। लेट्स सी गाइस कैसे खेल पाते हैं। यहाँ पे बीच एकदम प्रॉपर अपने सांप मोड में, जोन श्रिंक हो रहा, बीच को खड़ा होना पड़ा, एंड यहाँ पे बीच को दोनों टीम्स ने सैंड चुना के खत्म कर दिया। बट इन लोगों को भी खड़ा होने की जरूरत नहीं थी, इन लोगों ने अपनी पोजीशन रिवील कर दिया, दे नो ये लोग कहाँ हैं। एंड ये यहाँ पे गॉडल 9 को ले रहे हैं, एंड गॉडल 9 इज डाउन, व्हिच स्पेल्स द एंड फॉर कर्मास टीम। तो गाइस यहाँ पर टॉप पर हमें दिख रही है सोल पॉटेड की टीम, व्हिच है